नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता रेंट वेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो हम लोग जो अपनी करेंट अफेयर की क्लासेस कर रहे हैं, जो आपके लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल की जो भी वैकेंसी है, आपकी कोई भी पोस्ट है एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल में, इसके अलावा DSSSB के जो एग्ज़ाम होते हैं, अभी आपके सितंबर में भी होने वाले हैं, इसके बाद आगे भी वैकेंसी आने वाली हैं उनके लिए, प्लस जो चंडीगढ़ में आपकी JVT और TGT की वैकेंसी निकली हुई हैं, तो उन सब में ही करंट अफेयर पूछा जाता है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे स्कीम या टॉपिक हैं कह सकते हैं, जो सारे एग्ज़ाम में लगभग पूछे ही जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मेन टीचिंग से रिलेटेड, तो आपको इन सब के बारे में ही पता होना चाहिए। प्लस आपको जो G20 समिट है, ये आपके सारे एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि अभी हाल ही में G20 समिट हुई है, जो भारत ने करवाई है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये देख सकते हैं G20 का लोगो है, ठीक है, जो इस बार किसने कंडक्ट करवाई है, भारत ने। थोड़ा इसका बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। ग्रुप ऑफ 20 मतलब इसमें क्या है कि 20 तो आपकी कंट्री है और प्लस एक आपकी यूरोपियन संघ है, ठीक है। 19 देश कौन से? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड, ये सब शामिल है। इसके अलावा किंगडम ऑफ संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। तो ये 19 कंट्री प्लस एक यूरोपीय संघ मिलके कितने आपके पूरे 20 हैं, ठीक है, जिसमें G20 में आपके 20 सदस्य मौजूद थे। G20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का लगभग 75% अधिक और विश्व जनसंख्या का लगभग 2/3 प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो भी ये G20 के सदस्य हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये लोग इस प्रकार से इन सब चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक वास्तुला और शासन को आकार देने, मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो G20 है कि जैसे आपके ग्लोबल से रिलेटेड कोई भी समस्या है, एजुकेशन से रिलेटेड है, इसके बाद फाइनेंस से रिलेटेड है, इकोनॉमी को कैसे और अच्छा करना है, कैसे उस पर काम करना है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें ये समिट वगैरह कराई जाती हैं, ठीक है। इसके G20 के पास कोई स्थायी सचिवालय या कर्मचारी नहीं है, तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि G20 का कौन सा स्थायी सदस्य या सचिवालय है, तो आप क्या करेंगे कि इसका कोई भी सचिवालय या सदस्य नहीं है। इसके बजाय G20 प्रेसिडेंसी सदस्यों के बीच सालाना घूमती और देशों के एक अलग क्षेत्रीय समूह से चुनी जाती है, मतलब हर साल कोई ना कोई कंट्री इसको कंडक्ट करवाती है, जो भी G20 में शामिल है, ठीक है। इसलिए 19 सदस्य देशों को 5 समूह में विभाजित किया गया, जिसमें से प्रत्येक अधिकतम 4 देश शामिल हैं, ठीक है, उसमें भी 5 सदस्य में विभाजित कर दिया गया है, जो इसको कंडक्ट करवाते हैं। अधिकांश समूह क्षेत्रीय आधार पर बनाए जाते हैं, अर्थात एक ही क्षेत्र के देशों को आमतौर पर एक ही समूह में रखा जाता है, ठीक है। केवल एक समूह जिसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका और समूह 2 भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की है, इस पैटर्न का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। केवल ये जो दो है ये पैटर्न का पालन नहीं करते, अदरवाइज जो भी आपके 5 समूह बनाए गए वही घूम फिर के इसको कंडक्ट करवाते रहते हैं, ठीक है। समूह 3 में कौन कौन है? अर्जेंटीना, ब्राजील और मैक्सिको शामिल है। समूह 4 में फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम शामिल है। और समूह 5 में चीन, इंडोनेशिया, जापान और कोरिया गणराज्य शामिल हैं। तो ये 5 समूह हैं G20 के। इसके बाद यूरोपीय संघ जो 20वां सदस्य है, जिसे 19 तो कंट्री हैं और आपका एक 20वां यूरोपीय संघ है, इनमें से किसी भी क्षेत्रीय समूह का सदस्य नहीं है। प्रत्येक वर्ष एक अलग समूह का कोई अन्य देश G20 की अध्यक्षता ग्रहण करता है। हालांकि ये एक समूह के सभी देश अपने समूह के बारे में आने पर राष्ट्रपति पद संभालने के लिए समान रूप से हकदार होता है, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति होते हैं वो इस कह सकते हैं समूह का जो भी पद है उसको संभालते हैं, ठीक है। अब भारत की हम लोग बात करेंगे। समूह 2 से है, जो एक कब से कब तक इसकी रही है? 1 दिसंबर से 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की वर्तमान अध्यक्षता रखता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप आपसे पूछ सकते हैं कि भारत G20 की अध्यक्षता कब से कब तक रखेगा। तो 1 दिसंबर 2022 से
30 नवंबर 2023 तक, ठीक है। ये आपके कुल 20 सदस्य हैं, जिसमें 19 कंट्री हैं, ठीक है, 19 कंट्री और एक क्या है, यूरोपीय संघ, ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस बार का जो G20 हुआ है वो कितना है, 18वां। ये भी आपको याद रखना है, ये पूछ सकते हैं कि 18 कौन सा G20 हुआ है, तो 18वां हुआ है इस बार का जो हुआ है, ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो आपको पता भी है कि इसकी जोर जोर से तैयारियां चली थी, ठीक है, और दिल्ली में काफी चीजें बंद भी कर दी गई, जैसे 8, 9 और 10 सितंबर को। यह शिखर सम्मेलन पहली बार था जब भारत ने G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, तो पहली बार ही G20 में भारत ने इन सब की मेजबानी की थी। शिखर सम्मेलन का विषय क्या, मतलब इसकी थीम क्या थी, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वसुधैव कुटुंबकम, मतलब जिसका अर्थ है दुनिया एक परिवार है, तो ये आपको थीम याद रखनी है, G20 की थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब है दुनिया एक परिवार है। G20 नेताओं की नई दिल्ली घोषणा में रूस यूक्रेन तनाव से लेकर सतत विकास, खाद्य सुरक्षा, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने से विविध वैश्विक मुद्दों को संबोधित करते हुए सर्वसम्मत सहित हासिल की गई थी, मतलब इन सब मुद्दों पर बात हुई थी, जो रूस और यूक्रेन में तनाव चल रहा है, युद्ध चल रहा है, ठीक है, इसके सतत विकास जो है आपके उनके बारे में, ठीक है, खाद्य से संबंधित जो भी चीजें हैं उनकी सुरक्षा को लेके, इसके बाद एनवायरनमेंट से संबंधित इन सब मुद्दों पे इसमें बात हुई थी। इसके बाद इसके मेजर आउटकम्स क्या निकल के आए हैं, अफ्रीकी संघ की स्वीकृति G20 अब G21 हो गया है। अब G21 क्या, जो पहले तो G20 में 20 सदस्य है, ठीक है, अब इसमें क्या किया गया है, एक और स्थायी सदस्य बना दिया गया है। कौन सा बना दिया गया, जो अफ्रीकी एक संघ है, ठीक है। पहले क्या था, अफ्रीका, जैसे अफ्रीका के बहुत सारे द्वीप मिलके एक पूरा संघ बनाते हैं, तो उसमें से एक जो द्वीप है वो G20 में शामिल था, लेकिन अब पूरे अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बना दिया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं कि G21 कैसे बना, या फिर G21 में कौन सा और सदस्य, स्थायी सदस्य बनाया गया है, या फिर ये पूछ सकते हैं अफ्रीकी संघ जो G20 में स्थायी सदस्य बनाया गया है वो किस प्रकार से है, कहाँ का हिस्सा है, ऐसे क्वेश्चन कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, ठीक है। G20 नेता अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमत हुए, जो मंच में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो पूरे अफ्रीकी संघ को इसमें शामिल कर लिया गया, वो भी एक स्थायी सदस्य के रूप में। G20 में EU के शामिल होने का प्रभाव, G20 में EU के शामिल होने का प्रभाव, ये यहाँ पे देखेंगे क्या रहा है। G20 में AU की सदस्यता का वैश्विक व्यापार, वित्त और निवेश नया आकार देने का अवसर प्रदान करती है। G20 के भीतर ग्लोबल साउथ एक बड़ी आवाज प्रदान करेगी, मतलब जैसे आप लोगों को पता है कि जो अफ्रीकी संघ इसमें शामिल किया गया है उसमें भी इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार, उसकी इकोनॉमी, इन सब मुद्दों पर भी काम किया जाएगा, जिससे वो देश भी विकासशील देशों में शामिल हों, ठीक है। G20 के भीतर अफ्रीकी हितों और दृष्टिकोणों को सुनने और मान्यता देने की अनुमति देता है, ठीक है। अब उनको भी हम लोग एक परिवार के रूप में लेके चलेंगे, मतलब साथ में लेके चलेंगे। इसके बाद है कौन कौन से टॉपिक पे मेन बात हुई है, जैसे आपका यहाँ पे है ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, जिसको GBA बोलते हैं। तो GBA भारत के नेतृत्व वाली पहल है, जिसका उद्देश्य जैव ईंधन को अपनाने, बढ़ावा देने के लिए सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उद्योग का गठबंधन विकसित करना है, ठीक है। तो जो बायोफ्यूल है उसको बढ़ाने की बात की गई है, उस पर काम करेगा, जो जैव ईंधन पे अच्छे से काम होगा, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना पहुंचे। इस पहल का उद्देश्य जैव ईंधन को ऊर्जा परिवर्तन एक प्रमुख घटक के रूप में स्थापित करना, रोजगार सृजन करना और आर्थिक विकास में योगदान देना। इससे क्या होगा कि एक तो जैव परिवर्तन पे हम लोग काम करेंगे, एनवायरनमेंट पे काम करेंगे, ठीक है। इसके बाद लोगों को रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि इसके लिए अलग से कंपनीज वगैरह ये सब खोली जाएंगी, तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके बाद कि एक आर्थिक स्थिति पे भी इंडिया और अच्छा साबित होगा, ठीक है। ये भारत के मौजूदा जैव ईंधन कार्यक्रमों जैसे PM जीवन योजना, सतत गोवर्धन योजना को गति देने में मदद करेगा। जो अभी भारत में इनसे रिलेटेड योजनाएं चल रही हैं उनको और गति प्रदान होगी। इसके बाद है आपका IEA के अनुसार
नेट जीरो लक्ष्य के कारण 2050 तक 3.5 से 5 गुना जैव ईंधन विकास क्षमता होगी, जो भारत के लिए एक बड़ा अवसर पैदा करेगी। ठीक है, तो जीरो एक ये क्वेश्चन है, नेट जीरो जैव ईंधन का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2050 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि हम लोग जीरो एमिशन पे काम करेंगे, जिससे कि जो आपका पता है CO2 गैस का ज्यादा एमिशन होने की, CO2 गैस जितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है उससे क्या है बहुत सारी हानिकारक गैसें और उत्पन्न होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी प्रभावित करती हैं। ठीक है, अब इसका एजेंडा क्या है आप लोग देख सकते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज पे ध्यान दिया जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसके 17 गोल हैं उसके बारे में भी आप आज हम लोग पढ़ेंगे, हेल्थ पे, एग्रीकल्चर, एनर्जी, एनवायरनमेंट, एंटी करप्शन, ट्रेड मतलब व्यापार, तो ये सब मुद्दे रहे हैं G20 में मेन जिन पर बात हुई है। ठीक है, इसके बाद है फॉर्मेशन एंड फाउंडिंग मेंबर। अब यहाँ पे कैसे कैसे मेंबर हैं, कैसे काम किया है, गठबंधन को 9 आरंभिक सदस्यों के साथ लॉन्च किया गया था, भारत, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, GBI सदस्य जैव ईंधन के प्रमुख उत्पादक उपभोक्ता हैं, प्रमुख जिसमें से संयुक्त राज्य अमेरिका कितना, GBI मतलब जो आपका जैव ईंधन की यहाँ पे बात हो रही है 52%, ब्राजील 30% और भारत 3%, एथेनॉल के उत्पादन में लगभग 85% और खपत में लगभग 81% का योगदान करते हैं। तो आप लोग देखें भारत भी इसमें कितना बड़ा योगदान, मतलब तीसरे नंबर पे ये आता है। ठीक है, जैव ईंधन के रूप में जो आपका GBA की हम लोग अभी बात कर रहे थे, यहाँ पे आपने देखा था ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में, तो जब इन सब चीज़ों पर काम होगा, इस पर और ज़्यादा काम होगा, तो भारत कि अपने आप आर्थिक स्थिति और अच्छी होगी। ठीक है, 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पहले ही इसमें शामिल होने के लिए सहमत हो चुके हैं, तो सारे लोग इस चीज़ में शामिल भी हो चुके हैं और सहमत भी हो चुके हैं कि हाँ इस प्रकार से चीज़ें करनी चाहिए। इसके GBA का समर्थन करने वाले आमंत्रित देश किसने किसने GBA का समर्थन किया है, बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात। गैर G20 समर्थन जिन्होंने समर्थन नहीं किया है वो है आइसलैंड, केन्या, युगाना, पैराग्वे, सेशेल्स, श्रीलंका, युगांडा और फिनलैंड, इन लोगों ने समर्थन नहीं किया है, बाकी इन लोगों ने जो GBA पे समर्थन किया है। ठीक है, अब इसके G20 के कुछ की हाइलाइट्स हैं जो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2030 तक वैश्विक नवीकरण ऊर्जा क्षमता को 3 गुना कर देना। ठीक है, G20 ने 2030 तक वैश्विक नवीकरण ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने की दिशा में काम करने का वादा किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक आकलन अनुसार यदि यह कदम उठाया जाता है अब से 2030 के बीच 7 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से बचा जाएगा। अगर इस पर काम होता है तो हम लोग CO2 के जो दुष्प्रभाव हो रहा है उसे पूरा 7 अरब टन उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के वैश्विक प्रयासों का अनुरूप किया जाएगा, ये जीवाश्म ईंधन के स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जो हम लोग इन सब चीज़ों का यूज करेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा, प्लस इससे बिजली बनेगी, तो मतलब कोई अलग से कोई नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, इन सब पे पहले भी और भी काम हो चुका है, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जलवायु कार्यक्रम अपर्याप्त और पेरिस समझौता एक हुआ था इसी सबके ऊपर, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए खरबों डॉलर के वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इस पैमाने पर नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार करने 2023 और 2030 के बीच लगभग 7 बिलियन टन CO2 उत्सर्जन से बचा जा सकता है। ठीक है, तो CO2 उत्सर्जन से एक पेरिस समझौता भी आया था, आप लोगों ने अगर उसके बारे में पढ़ा होगा, तो उस सबको लेके ही ये सब रखा गया कि अगर हम लोग ऐसे काम करेंगे तो एनवायरनमेंट को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हम सब एक परिवार के रूप में काम कर रहे हैं तो सबको ही इन सब पे ध्यान देना है। ठीक है, इसके अलावा फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन पे भी काफ़ी बात हुई है कि इन सब पे भी काम किया जाएगा। ठीक है, G20 नेता खाद्य और ऊर्जा की कीमतों सहित बढ़ती कमोडिटी कीमतों को संबोधित करने के महत्व को पहचानेंगे, तो जीवन यापन के दबाव में योगदान रहेगा। ठीक है, कुपोषण को खत्म करेंगे, भूख को खत्म करेंगे, जैसे कि हम लोगों के जो SDG गोल हैं उनमें भी बताया गया है कि 2030 तक इन सबको खत्म करना है, भूख और कुपोषण को। ठीक है, ये स्वीकार करते हुए गरीबी, जलवायु परिवर्तन, महामारी,
संघर्ष जैसी वैश्विक चुनौतियां कमजोर आबादी विशेषकर महिलाओं और बच्चों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेंगी, जिससे कि महिलाओं और बच्चों की भी सुरक्षा होगी। जो हम लोग SDG गोल में देखते हैं कि इस प्रकार से 2030 तक हम लोगों किन किन चीज़ों पर काम करना है। इसके बाद है G20 घोषणा पत्र में मानवीय पीड़ा, यूक्रेन में युद्ध, वैश्विक खाद्य ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, मुद्रा स्फीति, आर्थिक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों पर प्रकाश डाला गया। जो आपका रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है उन सब पे भी बात की गई इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो खाद से संबंधित चीज़ें हैं उस पे भी काफ़ी बात की। जैसे यहाँ पे भारत जो है, जो आपका मिलेट इनिशिएटिव होता है जिसको महर्षि नाम से जानते हैं, उस पे काफ़ी काम भी कर रहा है। मतलब बाजरा के फील्ड में जो बाजरा का आपका उत्पादन होता है, भारत उसमें काफ़ी एक बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके बाद इंडिया कल्चरल शोकेस, अब यहाँ पे G20 में कौन से इंडियन चीज़ों को मेन प्रदर्शनी के रूप में दिखाया गया था, तो वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई। जैसे भारत का मंडपम, ठीक है, भगवान नटराज की कांस प्रतिमा लगाई गई थी, जो कहाँ से, चोल शैली से बिलोंग करती है। उड़ीसा के सूर्य मंदिर का कोणार्क चक्र और नालंदा विश्वविद्यालय की छवि दिखाई गई थी। इसके बाद तंजावर पेंटिंग और ढोकरा कला दिखाई गई थी। बोधि वृक्ष के नीचे बैठी भगवान बुद्ध की पीतल की मूर्ति दिखाई गई थी। विविध संगीत विरासत जैसे हिंदुस्तानी लोक, कर्नाटक भक्ति, तो ये सब चीज़ें जो कल्चरल शोकेस हुआ था G20 में, उन सब में अलग अलग देश से जो भी चीज़ें फेमस हैं उन सबको दिखाया गया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मेन सेक्टर कौन से रहे हैं जिन पे बात हुई है, जिन पे काम किया जाएगा। एक तो आपकी है बिजली रिन्यूएबल, मतलब है कि हम लोग ऐसी चीज़ों से बिजली बनाएंगे जिससे कि एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो और हर जगह बिजली पहुंच भी पाए। इसके बाद हेल्थ को लेके डिजिटल इंडिया, ICT वगैरह का हम लोग कैसे यूज करते हैं, डिजिटल लिटरेसी को कैसे बढ़ाएंगे। लाइफ का क्या मतलब है, जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उन सब पे भी काम किया जाएगा। जो भी चीज़ें एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाती हैं उन सबको रोका जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके SDG गोल हैं, ये सब बच्चों को पता होना चाहिए, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में भी। इसके मल्टी लेटरल रिफॉर्म है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, एग्रीकल्चर मतलब कृषि से संबंधित, और स्टार्टअप, कुछ अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना, कल्चर हो गया, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग मतलब रोजगार से संबंधित जो वोकेशनल चीज़ें होती हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा। इसके फाइनेंशियल इंक्लूसिव मतलब महिलाओं के लिए भी अलग से बहुत सारे प्रावधान रखे गए हैं। टूरिज्म है, वुमेन लेड डेवलपमेंट, महिलाओं को भी सक्षम बनाया जाएगा कि वो भी अपना कुछ काम कर पाएँ, अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएँ। इसके बाद एंटी करप्शन, जो भी करप्शन है उनको कम करने की भी बात की गई है, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन इंडिया की बात की गई है, जैसे ग्रीन इंडिया में क्या है, रोड मैप फॉर ग्रीनर, इसको क्या बोला गया है, पंचामृत, ठीक है। नॉन फ्यूजल एनर्जी कैपेसिटी 500 GW कब तक, 2030 तक। इसके बाद फुलफिल 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी 2030 तक, क्योंकि हमारे जो SDG गोल हैं उनका लक्ष्य ही रखा गया 2030 तक, तो उसमें जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब इसमें रखी गई हैं, ठीक है। कार्बन हम लोग कम करेंगे 2030 तक, इसके रिड्यूस मतलब कार्बन जिनकी वजह से पैदा होता है उन चीज़ों को कम करेंगे, ठीक है। जिस और कितना लक्ष्य रखा है, 45%। इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो बाई 2070। नेट जीरो मतलब बिल्कुल ही कार्बन को ख़त्म कर देंगे, तो कब तक का रखा गया, 2070 तक का ये लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। इसके लाइफ है, जैसे मैंने बताया कि आप लाइफ पूरा आप इन्वायरमेंट पे काम करेगा, लाइफ मतलब जीवन, अगर हमारे आसपास की चीज़ें अच्छी रहेंगी, शुद्ध रहेंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां आप लोग देखते हैं उसी वजह से होते हैं, पोल्यूशन होते हैं, वायु प्रदूषण होता है आपका, ठीक है, जल प्रदूषण होता है, बहुत ध्वनि प्रदूषण होता है, तो इन सब चीज़ों को ही काम किया जाएगा जिससे हम लोग अपने इन्वायरमेंट को अच्छा बना पाएँ, ठीक है। चीज़ें हैं, इसके अलावा कुछ गेस्ट कंट्री भी बुलाई गई थी G20 में, जैसे आपका यहाँ पे है बांग्लादेश है, इजिप्ट है, मॉरिटस है, नीदरलैंड है, नाइजीरिया है, ठीक है, ओमान है, और सिंगापुर है, स्पेन है, इसके बाद UAE, तो ये गेस्ट कंट्री रही हैं, तो ये भी आप लोग एक दो बार देखें तो याद हो जाएंगी, ये पूछ सकता है कि कौन सी गेस्ट कंट्री रही हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो पूरा G20 या फिर जो भी आजकल जितनी भी कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट पे कमीशन बनते हैं या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, मतलब पूरे
होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो बात की गई है वो कहीं ना कहीं जो एसडीजी गोल हैं इन पे ही डिपेंड करते हैं। कितने हैं ये? 17 गोल हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एसडीजी गोल कितने हैं, आपको तो ये पता होना चाहिए 17 गोल हैं, ठीक है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड, मतलब 17 गोल ऐसे जो अपने पूरी जो दुनिया है उसको बदल दें। सबसे पहला क्या है आपका? नो पॉवर्टी, मतलब कोई भी गरीबी ना रहे, मतलब कोई भी गरीबी। और लक्ष्य कब तक का रखा गया है? 2030 तक का ये रखा गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जीरो हंगर, कोई भूखा ना रहे। इसके बाद गुड हेल्थ एंड वेल बींग, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छे से रहे। यहाँ पे हम लोग हिंदी में भी देख सकते हैं, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। उत्तम स्वास्थ्य, खुशहाली। चौथा क्या? सर्वोत्तम शिक्षा, मतलब सबको शिक्षा मिले। इसके बाद लैंगिक समानता, कोई भी भेदभाव ना हो। स्वच्छ जल और साफ सफाई। इसके बाद है सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा हो। उत्कृष्ट श्रम और आर्थिक विकास हो। उद्योग नवाचार एवं बुनियादी सेवाएं हो, ठीक है। इसके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दसवां क्या है? असमानताएं कम करना, ठीक है। सतत एवं संतुलित समुदाय हो। उत्तरदायित्वपूर्ण खपत और उत्पादन और जलवायु परिवर्तन कार्रवाई, ठीक है। जलवायु पे भी अब जलीय जीव जो है उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा, और जो थलीय जीव मतलब जो ऊपर है पेड़ पौधे हैं उन सबकी भी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद शांति एवं न्याय और सशक्त संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं बने जो शांति और न्याय पे काम करें, ना कि लड़ाई झगड़े में, ठीक है। इसके लक्ष्य की भागीदारी, लक्ष्य की भागीदारी का क्या मतलब है? कि जितने भी देश हैं मिलके सब इस पे काम करें, क्योंकि एनवायरनमेंट जैसी चीज़ें ये सब जो सबकी ही समस्या होती है, इन सब पे ही काम किया जाए। और इसके उद्देश्य कितने हैं ये भी आपको याद रखना है, 169 उद्देश्य हैं। और गोल कितने हैं? 17 गोल हैं इसके, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं 5P ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि मतलब प्लैनेट मतलब एनवायरनमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, लोगों पे ध्यान दिया जाएगा, प्रोस्पेरिटी अच्छे से रहें, एक मतलब सम्मान की जिंदगी जिए, पीस शांति से रहें, ठीक है। पार्टनरशिप मतलब सब लोग मिलजुल कर काम करें, ठीक है। तो ये सतत विकास जो लक्ष्य हैं उनका उद्देश्य रखा गया है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके गोल कितने हैं ये आपको याद रखना है, 17 गोल हैं, ठीक है। टारगेट कब तक का रखा गया है? 2030 तक। इतनी सब चीज़ों पे काम किया जाएगा और इनको पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी, जितने ये 17 दिए गए। इसके बाद उद्देश्य कितने रखे गए हैं? उद्देश्य हम लोग देख सकते हैं 169 उद्देश्य रखे गए हैं, ठीक है। तो ये पूरा दिया गया है, यहाँ पे आप लोग पढ़ ही सकते हैं, PDF आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और भी डिटेल में अगर पढ़ना है तो ये आपके आज के थे G20 समिट के बारे में हमने देखा क्या क्या चीज़ें हैं। और इसके बाद SDG गोल जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप लोग ये वाली क्लास मिस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो शेयर कर सकते हैं, और आपको जो PDF मिल जाती है यहाँ पे टेलीग्राम पे और YouTube चैनल है, इसको शेयर कर सकते हैं। जो बच्चे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मेन टीचिंग एग्ज़ाम की, तो उनसे आप लोग शेयर कर सकते हैं। सारी क्लासेस फ्री हैं, और लर्निंग टुगेदर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें, धन्यवाद।